हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिस शैरन रोशन, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। सो आज हम सीखेंगे हिंदी ध, व्यंजन ध। ध से धन, ध से धोबी, ध से धनुष, ध से धनिया और ध से धागा। फिर एक बार बोलेंगे, ध से धन, ध से धोबी, ध से धनुष, ध से धनिया, ध से धागा। अब हम पढ़ेंगे और अभी हमने पढ़ा तो अभी लिखना सीखेंगे। हम अभी कैसे लिखेंगे इसे, पहले तो एक छोटा सा सर्कल, फिर कर्व को यहाँ ऐसे इस तरफ लेकर आइए ऐसे, फिर दूसरा बाहर की तरफ कर्व ऐसा, फिर स्टैंडिंग लाइन और छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा कंप्लीट ध से धनुष। अभी हम बिना ट्रेसिंग डॉट वाले लाइन में करेंगे। देखो, छोटी सी छोटा सा गोला जो इधर ऐसा लेकर आइए, फिर बाहर की तरफ से एक कर्व जो बाहर लेकर जाना है, फिर स्टैंडिंग लाइन और छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ध से धागा, ध से धागा, फिर एक बार छोटा सा गोला बनाइए और फिर उसको बाहर अंदर की तरफ घुमाइए, पूरा कर्व ऐसा घुमाइए, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ओके, ध से धनिया, ध से धागा, ध से धन। ओके, फिर हम सीखेंगे न, हम सीखेंगे न। यह है व्यंजन न। न से नल, न से नाव, न से नारियल, न से नदी, न से नाई। फिर एक बार रिपीट करेंगे, फिर एक बार इसके पीछे दोहराएंगे हम। न से नल, न से नाव, न से नारियल और न से नाई। ठीक है, फिर हम इसे लिखना सीखेंगे। तो छोटी सी स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन छोटी सी और छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, और उसी के साथ एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। ये है हमारा व्यंजन न, ये है हमारा व्यंजन न। न से नल, ये क्या है, न से नल। ठीक है, फिर एक बार लिखेंगे अभी स्लीपिंग लाइन, देखो फिर छोटी सी स्लैंटिंग और स्टैंडिंग लाइन, और फिर यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन और छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ये है न से नल, न से नल। ठीक है, फिर एक बार करेंगे स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। यह है न से नाई, न से नाई, न से नदी। ऐसे करके आपको ये पूरे बॉक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर चित्र को देखकर सही अक्षर से मिलाओ। हमें चित्र को देखकर सही अक्षर से क्या करना है, मिलाना है। तो त से तरबूज, थ से थर्मामीटर, द से दरवाजा, ध से धनुष और न से नदी। ठीक है, ऐसे हमें चित्रों को देखकर सही अक्षर पे मिलाना है। त से क्या है, तरबूज, थ से थर्मामीटर,
द से दरवाजा और ध से धनुष और न से नदी। अब हम इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे। सो हमें यहाँ पर इसे पढ़कर फिर वही लिखना है। नीचे के जितने बॉक्स से हमें वहाँ पे लिखना है ट ठ द ड और न, ऐसे आपको पूरे बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। फिर लिखना है त थ द ध और न, ऐसे आपको लिखना है। ये पूरे सारे बॉक्सेस जितने भी है बॉक्सेस उतने सारे बॉक्स आपको कंप्लीट करना है। और ये होगा आपका होमवर्क, क से न तक पूरा करो। दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, ये क से न तक आपको पूरा व्यंजन लिखना है। आपको क से न तक पूरा व्यंजन लिखना है। ठीक है, और फिर सेम आपको यहाँ पर लिखना है।